सदासेवा संस्थान ने देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों के परिजनों व सैनिकों का गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार रात नगर परिषद सभागार में सम्मान किया। इसी मंच पर विधायकों का भी सम्मान हुआ। इससे पहले सूचना केंद्र चौराहे से शहीदों के परिजनों व पूर्व सैनिकों को खुली जीप में बैंड के साथ स्वागत करते हुए गौरव यात्रा के रूप में सभागार लाया गया। सैकड़ों स्कूली बच्चों के साथ लोग तिरंगे लिए चल रहे थे। संस्थापक चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि बांसवाड़ा के शहीद हर्षित भदौरिया, बरुंदनी के लांस नायक जगन्नाथ राजवा के नीम सिंह, चित्तौड़गढ़ के चंदन सिंह के परिजनों का सम्मान किया गया। बरुंदनी के शहीद परिवार के परिजन को 21,000 व अन्य तीनों को 51,000 रुपए का चेक दिया गया। एक वीरांगना की आंखों में आंसू का सैलाब छलक पड़ा। जिले के पूर्व सैनिक जहाजपुर के खेमराज मीणा व बंशीलाल मीणा, भिलवाड़ा के भेरू सिंह शेखावत, रतनलाल सोनी व श्रवण कुमार गुजर, पालरू के सत्यनारायण शर्मा, दड़ावत के हीरालाल कुमावत को भी सम्मानित किया। अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाशन पगाड़िया, जिंदल सॉ लिमिटेड के लाइजन हेड राजेंद्र गोड़, RSWAM पवन गुप्ता, विधायक विठल शंकर अवस्थी व गोपाल खंडेलवाल अतिथि थे। डॉक्टर कैलाश मंडेला, मुन्ना बैटरी व योगेश शर्मा ने काव्य पाठ किया। वहां तक आपकी आवाज जो दिल से आप लगा रहे हैं, मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। वंदे मातरम। गोला बारूद व हथियार बरामद किए, साथ ही 06 अफगानिस्तान में ट्रेनिंग पाए आतंकवादियों को आतंकवाद छोड़ समाज में शामिल होने हेतु सफल प्रेरित किया। घायल या शहीद नहीं होने दिया, सदैव स्वयं ने आगे रहकर सभी ऑपरेशनों का सफल नेतृत्व किया। भारत माता की। वादग्रस्त इलाके से सुरक्षित फोर्स मुख्यालय चंडी मंदिर ले जाने तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनिट के सूबेदार मेजर रहते हुए 2013 में 100 किलोमीटर व 50 किलोमीटर मैराथन रेस में भाग लिया। घाटी तबाड़ा तहसील जहाजपुर निवासी ऑनरेरी सूबेदार मेजर बंसीलाल मीणा ने सेना चिकित्सा कोर में सेवारत रहते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की समाप्ति के बाद मई 1985 में अमृतसर में खालिस्तान समर्थित उग्रवादी संगठन के खिलाफ भाग लेने वाले सैनिकों के साथ अग्रिम मोर्चे पर रहकर 10 महीने तक लैब टेक्नीशियन के रूप में उत्कृष्ट चिकित्सा कार्य किया। क्षेत्र मेल मिलाप कर सूरतगढ़, बीकानेर, पीलीबंगा, डबुमगा निभाई। नवंबर बंगाल में रेडार यूनिट में 1993 से 1999 तक, दिल्ली में इक्विपमेंट, आसाम एरिया में रेडार यूनिट में उतरने के साथ ही ये UN मिशन सेवा दी। दिनांक 1/6/2015 को सैन्य सेवा